अभिषेक करे। स्वत्पादन के नवा प्रवचनाम बोधी नवा ईसाय नहा बंदा भी माता जी। अतुल जी आप भी खड़े हो, देख लो जिस वेदी में जगह हो उसमें ले लो। ये सर्वे जन सिद्ध सोर नुगता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जन इस पंच गुरुवाहा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंति नो मंगलम कुरवंति मे मंगलम। अशोक जोशी जी आप भी खड़े हो, हाँ अशोक जोशी जी को उसमें ले लो, सिवान वालों के साथ लो, हाँ इसमें ले लो। श्रेया पद्म विकास वाद रमणी स्यादवाद रक्षा मणि संसारो रग दर्भ कारुण मणि भव्योग्र चिंता मणि अश्रांता जय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्ता मणि श्रीमान देव शिरोमणि विजय तेत्री वीतराग प्रभु यात्रा प्रतिशिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान सात सरोवर सात वादन मधोत्कर मधुक समावरणानाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें, सब लोग पहुंच जाए वेदियों में पहुंच जाए, जल का कलश हाथ में ले लें। हाँ ब्रह्मचारी जय कुमार जी आप भी एक वेदी में अभिषेक के लिए सपरवार पहुंचिए, जय कुमार जी एक वेदी में पहुंचिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए और अब पूज्य माता जी को वहीं से नमस्कार कीजिए सब लोग। अब पूज्य माता जी अपने आसन पर बैठ गई हैं, आचार्य श्री को बोलने के लिए कौन गया, गए हैं, ठीक है प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृति जननी यही है, त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। एक वेदी में हमारे भगवान के माता पिता अकलंग जैन, ध्यान दो, एक वेदी में भगवान के माता पिता अनिल कुमार जैन का परिवार संजय पन्नालाल जी पापड़ीवाल, एक वेदी में पहुंच जाइए, पहुंचिए एक वेदी में। ओम रीम त्रीम क्लीम ऐम राम मम मम तम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामि नमो रते स्वाहा। चंदन दंडुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गानी रवा कुले जिन रहे जिन नाथ महामी जी। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ नृपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष जल स्वाद लिए अमल है, इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सतरस हूं। ओम रीम त्रीम क्लीम ऐम रम बम बम हम तम तम पम झम झम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके दशाभिषेकम् करोमि नमो रते स्वाहा। गति चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के डबल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रही जिन नाथ महम ये जे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुनीत रस दिख चुका है, हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिथे कर्णसाय नमः। ओम रीम क्लीम क्लीम ऐम रम बम बम हम तम तम पम झम झम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम् करोमि नमो रते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामी जी। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर यह तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घ आयु तिल सकते बढ़े जीते
ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम रम बम 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 तम 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 जम जम जीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। चंदन तंदुलि पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फल अर्घ के धवल मंगल गानिर्वाकुलि नाथमहं यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि इति स्वाहा। दूत का कलश पूर्णा सतांग किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम रीम क्लीम क्लीम ऐम रम बम बम हम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फल अर्घ के धवल मंगल गानिर्वाकुलि जिन ग्रहे जिन नातु महम यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि इति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधीपे हुआ पर समी अति मंगली के दस्य अब शेखर के ते लोक मंगल में निशो के पाऊं। ओम रीम त्रीम क्लीम ऐम रम बम बम हम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम त्रीम त्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अब शेखम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प के सन सुदीप सुदूप फल अर्घ के धवल मंगल गानिर्वाकुलि जिन ग्रहे जिन नातु महम यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि इति स्वाहा। सर्व औषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर्व सिमलाय करके सर्वोचरि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रहित करो नमन में। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम रम बम बम हम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सर्वोचरि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फल अर्घ के धवल मंगल गानिर्वाकुलि जिन ग्रहे जिन नातु महम यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि इति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य विद्युत कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केसु चतुष्टयों को। ओम राम जीम रूम रोम राज नमो रते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फल अर्घ के धवल मंगल गानिर्वाकुलि जिन ग्रहे जिन नातु महम यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि इति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन कोकिसा है सौभाग्य कार्य जिन भीम विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ सुव्यापा। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमनः सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती ओ प्रभु आरती करने से सब आरती बनते हैं। प्रभु आरती करने से सब आरती बनते हैं। जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदूप फल अर्घ के धवल मंगल गानिर्वाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि इति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुझे निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम रम बम बम हम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमो स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फल अर्घ के धवल मंगल गानिर्वाकुलि जिन ग्रहे जिन नातु महम यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि इति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कल्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व पर कच्छ द्रौपद विनाशाय सब छाम नामर विनाशाय ब्राह्म रीम रूम रोम राशि नमः।
गणनी आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज सर्वसंगस्य आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज मुनिश्री अनुसरण सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी सर्वसंगस्य श्री राजकुमार जैन वीरा बिल्डर्स नई दिल्ली सपरिवार से श्री प्रमोद कुमार संजय कुमार जैन शेखर कुमार आनंद कुमार जैन धनावत मंगल कलश स्थापनाकर्ता बाराबंकी निवासी सपरिवार से श्रीमती सुनीता विजय लोहारिया अहमदाबाद वेदी में आज अखंड स्थापना दीप प्रज्वलन करता सपरिवार से भगवान के माता पिता श्रीमती अनीता अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से सौधर्मिंद श्रीमती अर्पिता अध्यात्म जैन सम्यक जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से यज्ञ नायक श्रीमती अनामका नुकुंद जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से द्वितीय यज्ञ नायक श्रीमती शालिनी नितेश कुमार जैन लखनऊ सपरिवार से कुबेर इंद्र श्री विवेक जैन सीवान निवासी सपरिवार से ईशान इंद्र श्री सुरेश चंदी जैन सौ शकुंतला जैन लोहाड़े खंडवा निवासी सपरिवार से सानत कुमार इंद्र श्री राजीव जैन सी एस डी एस अफजगंज नई दिल्ली सपरिवार से महेंद्र इंद्र श्री अभय कुमार कन्हैयालाल डोटिया मुंबई निवासी सपरिवार से प्रमुख इंद्र श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुण्यसूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री आनंद जैन पुत्र श्री कोमलचंद जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से श्री जिंदाद जैन श्रीमती मंजू जैन डालमिया आशिका जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्री आनंद प्रकाश जैन छोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री जितेंद्र कुमार जी छावड़ा वासिम निवासी सपरिवार से श्रीमती मनोरमा जैन के पुत्र राहुल जैन पुत्रवधू डॉक्टर मोनिका जैन इंद्र विकासपुरी दिल्ली सपरिवार से श्री विनोद जैन भारतीय होजरी सोर सीवान निवासी सपरिवार से श्री अरिंजय जैन पुत्र वीरेंद्र कुमार जैन इंदिरानगर लखनऊ निवासी सपरिवार से श्री अमरचंद जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपति श्री निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन रिचा जैन अक्षत जैन ननिधि जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन स्मृति जैन अध्यात्म जैन अर्पिता जैन सिद्धार्थ जैन दीप्ति जैन अमृत जैन शिखा जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुपचंद श्रीमती क्षमा जैन श्वेया जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन श्रीमती सुनैना सुभा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा जी देसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल सब देवपुरम मांगे दूंगी श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जैन कासलीवाल औरंगाबाद श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साह पुणे निवासी सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रबोधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानवती बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली श्री अशोक दोषी सौ इला दोषी गुलालवाड़ी मुंबई निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजय कुमार पांड्या कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सुनपूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा दित्या विनायिका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुर मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी विनोद कुमार सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हपावत मुंबई श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन रहमन नीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता संतोष कुमार ज्योति सोमिया ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरे धाबड़ा
श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशुबी की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा अर्ची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता श्यांत्रिपति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उपतर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाशन अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ, मनोज ऋषि कुमार सपरवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेन प्रसाद, संजय राजेन, पंकज ऋषभ अमित, अभिषेक अरेन पार, महंग धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेर आदित्य, प्रीति नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन, सी ए पालतो जैन, सुषमा जैन सपरवाल लाजपत नगर नई दिल्ली, डॉक्टर आई एल जैन, प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष बिंदु, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान, श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी, श्रीमती सुधा जैन पुत्र प्रशांत, निशा जैन, प्रणीत अग्रवाल आरोग्यता हेतु तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी सपरवार, श्री पुष्कर जैन, श्रीमती नेहा जैन पुत्र पलक जैन पुत्र नक्ष जैन, विवेकानंदपुरी आजाद मार्ग सदाय वेहला दिल्ली, इन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लिया सपरवार, सभी शानदारा करने वाले ब्रह्मचारी जय कुमार जैन बैजापुर दीक्षार्थी सपरवार निवासी सपरवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम समनिग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त बाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच विंध्य डाकि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापारहानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व पाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भारत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयदाती क्षेत्रे वीर संबत 2549 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शुभव श्री विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्कासुरासगणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्स्वाहा हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेवरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वार्जिष्ट ग्रहादीनन को लेन को ले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकसोपरि शानदारं चतुर्विसंगस्य आचार्य श्री विपुल सागर महाराज आचार्य श्री विश्व सागर महाराज
आचार्य श्री भद्र बाबू सागर महाराज, मुनि श्री अनुसरण सागर जी महाराज, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, सर्वसंगस्य सर्वशांतिम गुरु गुरु, सभी पूजकस्य सर्वशा इंद्र परिवारस्य सर्वशांतिम गुरु गुरु, तुष्टिम गुरु गुरु, पुष्टिम गुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसत स्वाहा। जय बोलिए जी सब देव भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 30 24 जी के 720 तीर्थंकर भगवान की जय। भगवान जी सब देव के 101 पुत्र मोक्षगामी भरत बाहुबली आदि 101 भगवान की जय। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसर सुदीप सुदूप फल अर्घ धवल मंगल गानी रमाकुल ओम रीम त्रि निंदा नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। सुज निर्मल नीलम सुज निर्मल नीरम गंध सुवच्छत पुष्प चरुले मन हरसा दीप दोप तन अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बज श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर मल मन जाओ मन मत का ओ करुणा निधि भव दुख में डोया ते में पूजो कृपा। ओम रीम 108 विकेत सब देव भगवान सब गिरी मांगे तुकी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार में शाश्वती देवता में विराजमान भगवान सब देव अजित नाथ अभिनंदन नाथ सुमत नाथ अनंत नाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंग धारी आनंद कारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणा धारी याते थारी शरणार श्री शांति चिनी समुनित सक्रे सम्रस चक्रे सम चक्रे अनि हरि चक्रे सम हे गुंदे सम दया मृते सम बक्रे सम। ओम रीम अस्नापुर में जन्म लेने वाले वन शांतिनाथ कुंतीनाथ रहे स्वाहा। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकान सागर एवं आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज मुनि श्री अनुसरण सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमो मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञान मती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम समस्त आचार संघ के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी बंदामी बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। सभी लोग बैठ जाएं सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है सब लोग बैठ जाएं। अब यहाँ पर पास में नहीं आए कोई भी ना आए कोई भी नहीं आए सभी लोग बैठ जाएं कैमरे के आगे नहीं आए सब लोग पारस चैनल पर सीधा प्रसारण चल रहा है सभी लोग ध्यान रखें और सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जिन इंद्रों ने अथवा जो भी लोग आए हैं शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक ना किया हो अभी वेदी में भगवान विराजमान है अभिषेक कर लीजिए। वेदी में भगवान विराजमान है 24 वेदियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं उनमें जो लोग अभी तक अभिषेक ना किए हों अभिषेक कर लें। हाँ प्रारंभ करिए बेलगांव कार्यक्रम सब लोग बैठ जाइए सब लोग बैठ जाओ। हाँ अशोक जोशी जी सबको थोड़ा पीछे कर दो उनको जगह दे दो। अब सब लोग बैठ जाइए कृपया सब लोग मान जाइए सब लोग बैठ जाएं। पहले पहले बड़ी माता जी के द्वारा मंत्र उच्चारण स्वामी जी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल मंत्र उच्चारण सब लोग बैठ जाओ आज सब लोग बैठ जाओ एक बार व्यवस्था बनने दीजिए। हाँ पूज्य माता जी देखिए सभी लोग ध्यान रखें सब लोग एक बार ध्यान रखो और पारस चैनल के दर्शक भी ध्यान रखें। ये कार्यक्रम हमारा 6 बजे से 7 बजे तक जो नित्य चलता है उसी प्रकार से यहाँ पर एक कार्यक्रम है उसके बाद पुनः पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए 7:30 बजे से पुनः पारस चैनल का सीधा प्रसारण प्रारंभ होगा जिसमें घट यात्रा शोभा यात्रा झंडारोहण वेदी शुद्धि आदि कार्यक्रम
और वेदी में भगवान मंच पर विराजमान होंगे। ये सारे कार्यक्रम 7:30 बजे से पुनः आप सभी को पारस चैनल के दर्शकों को देखना है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या का कार्यक्रम आपको अवश्य अपने घर में बैठ करके टीवी खोल करके जरूर देखना है। और ये 7:30 बजे से 8:20 तक 50 मिनट तक चलेगा और उसके बाद दोपहर में 3 बजे से पुनः सीधा प्रसारण पारस चैनल पर प्रारंभ होगा पंच कल्याण प्रतिष्ठा का। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः ओम ह्रीं त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री भरतादि सर्व सिद्ध पद प्राप्त सिद्ध परमेश्वरीभ्यो नमः ओम ह्रीं भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेश्वरीने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरीने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरीने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरीने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरीने नमः ओम ह्रीं सर्व साधुभ्यो सर्व आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरीभ्यो नमः ओम ह्रीं आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरीभ्यो नमः अध्यात्माओं आज बहुत ही मंगलमय दिवस है हमारे और आपके लिए सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए बहुत ही मंगलिक दिवस है। आज भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस द्रमिका नदी के किनारे भगवान महावीर को आज के दिन केवल ज्ञान हुआ है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर स्वामिने नमः। भव्यात्मा आप जरा सा मैं एक श्लोक बोलूंगी हिंदी में बोलेंगे 2400 भगवंत हैं 2400 भगवंत हैं विश्व शांति अवतार विश्व शांति अवतार प्रतिष्ठा निर्विघ्न हेतु नमो अनंतो वा नमो अनंतो वा भरतादि सिद्ध परमेश्वरी परमेश्वरी गुण अनंत भंडार प्रतिष्ठा निर्विघ्न हेतु प्रतिष्ठा निर्विघ्न हेतु नमो अनंतो वा नमो अनंतो वा नमो अनंतो वा नमो अनंतो वा। भव्यात्माओं भगवान महावीर ने आज से 2622 वर्ष पूर्व जन्म लिया है कुंडलपुर नगरी में। आज उनका केवल ज्ञान कल्याणक दिवस भगवान महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ माता त्रिष्णा माता और भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जन्म लिया मकसिर कृष्णा दशमी को भगवान ने दीक्षा ली है और आज के दिन वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भगवान ने केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त किया है। ऐसा एक कल्याणक दिवस और यहाँ पर विराजमान होने वाले 720 भगवान तीर्थंकर भगवान और भरत आदि 101 पुत्र जो भगवान के मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और चक्रवर्ती भरत साक्षात जो यहाँ विराजमान हो चुके हैं ये सब इस प्रतिष्ठा में निर्विघ्न विराजमान हुए हैं और निर्विघ्न आप लोग सब निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न करें इसी भावना के साथ आप सब लोग मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व कार्य सिद्धिं भवतु भवतु स्वाहा सर्व कार्य सिद्धिर् भवतु भवतु स्वाहा सर्व कार्य सिद्धिर् भवतु भवतु स्वाहा सर्व कार्य सिद्धिर् भवतु भवतु स्वाहा। मंचासीन सभी साधुओं के लिए नमोस्तु करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे पीठाधीश रवि कीर्ति जी यशस्वी हो और ये सब कार्यक्रम अच्छी तरह से निर्विघ्न सानंद संपन्न हो भगवान की कृपा दृष्टि अच्छी तरह से और तीन लोग के नाथ 2400 भगवान और 720 भगवान सब आज मैं चिंतन कर रही हूँ कि आचार्य श्री शांतिसार महाराज आचार्य श्री वीरसार जी महाराज आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज सब स्वर्ग में बहुत खुश हो रहे हैं और
आरिका रत्मती माता जी आदि सब बहुत खुश हो रही हैं, सब स्वर्ग में बैठ करके भव्यात्मा हो, सब हमें और आपको खूब मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो इसी भावना के साथ, पुनः सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जहाँ आचार्य विपुल सागर जी महाराज संघ सहित हैं, आचार्य विश्व सागर महाराज, आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज, मुनि श्री अमशरण सागर जी महाराज और गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी, आने दो, आ जाइए आशा जी। हमारे झंडारोहणकर्ता श्री राजकुमार जैन जो हमारे दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान के एक स्तंभ हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा जी राजधानी दिल्ली से आज इस झंडारोहण के लिए सपरिवार पधारे हैं, पूजगणी ज्ञानमती माता जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, और उनके सुपुत्र गौरव जैन, पुत्र वधू और पोता पोती सभी लोग आज यहाँ पर झंडारोहण के निमित्त से आज यहाँ पर उनका आगमन हुआ, उनके लिए पूजगणी ज्ञानमती माता जी का, सभी संतों का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये हमारे दिगंबर जयंत लोक संस्थान जम्बू जी हसनापुर के एक स्तंभ हैं, सभी प्रकार से इनका सहयोग पूरा प्राप्त होता है। हाँ, इनको भी, हाँ चलिए अब थोड़ा सा कार्यक्रम 10 मिनट का फटाफट करिए चालू, आ जाइए श्रीमती प्रेमा उपाध्याय, कार्यक्रम आप अपना शुरू कराइए जल्दी से। अभी 7:30 बजे से प्रतिष्ठा महोत्सव की फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। महोत्सव के प्रारंभ में अयोध्या की धरती से आपने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम बेलगांव कर्नाटक से पधारी प्रेमा जी उपाध्याय उनकी पूरी पार्टी के द्वारा महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का, इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, अर्थात आज महोत्सव के प्रारंभ में आप सभी लोगों ने एक ऐसा महोत्सव देखा, एक ऐसा महोत्सव देखा जो अयोध्या की धरती पर अनंत अनंत बार सौधर्म इंद्र ने आकर संपन्न किया, क्योंकि अनंत अनंत तीर्थंकरों के जन्म इस अयोध्या नगरी में होते आए। अनंतों बार जिस पावन रत्न गर्भा भूमि ने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया, आज युगान युग पूर्व से अयोध्या की धरती पर वही सरयू नदी प्रवाहित होती है, जिस सरयू नदी के जल से अयोध्या वासियों ने अपने प्रभु तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक किया था।
महानुभाव संसार के भ्रमण से अति दूर है जो, ऐसे जिनेन्द्र पद में नित ही नमो मैं। संपूर्ण सिद्ध गण को सब साधुओं को वंदू सदा सकल कर्म विनाश हेतु। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की। और जा इसी तरह से नारे लगाएंगे कि ऋषभ देव जय आदिनाथ, गली गली में गूंजे नाद, गली गली में गूंजे नाद, गली गली में गूंजे नाद। जहां भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा को विधि नायक के रूप में बनाया गया है, जहां 30-24 के 720 भगवान रत्नमयी बन करके और इस धरती के रत्न गर्भा होने की संज्ञा को सार्थक कर रहे हैं, जहां एक पुराना इतिहास साकार हो रहा है भगवान ऋषभ देव के 101 मोक्षगामी पुत्रों का, जिन्होंने भगवान ऋषभ देव के समोह शरण में जाकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे पुत्र आज भगवान की प्रतिमा के रूप में बन करके और अयोध्या की धरती के प्राचीन इतिहास को साकार कर रहे हैं, जहां सम्राट चक्रवर्ती भरत ने एक छत्र शासन किया। एक समय था जब अयोध्या नगरी को राजधानी बनाकर अभी वो आया नहीं, चक्रवर्ती भरत स्वामी ने छह खंड का राज्य संचालित किया था। ऐसी उस नगरी में 31 फुट के भगवान भरत सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा का विराजमान होना, यह तृतीय काल के अंत का इतिहास स्मरण हुआ है। अभी अभी झंडारोहण करता हमारे आर के जैन बीरा बिल्डर्स आशा देवी जैन ने आकर पूज्य माता जी का आशीर्वाद लिया। बहुत समय के पश्चात आपका अयोध्या में आगमन हुआ। हमारे सौधर्मेंद्र बने अध्यात्म जैन अर्पिता जैन लखनऊ से आए हैं। यह एक युवा है, नवोदित युवा, और क्या इच्छा व्यक्त करते हैं कि माता जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अयोध्या को सोने की अयोध्या बना दें। ये सोने की अयोध्या सौधर्मेंद्र आप सबके साथ मिल करके बनाएंगे, जहां भगवान के माता पिता राजधानी दिल्ली से आए हैं, अनिल कुमार अनीता जैन जो महाराजा नाभी राय और महारानी मरु देवी बनकर वास्तव में धन कुबेर को देखेंगे कि अयोध्या को बिल्कुल रत्नमय स्वर्णमय बना रहे हैं। पूज्य माता जी कह रही थी कि स्वर्ग से आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज आज कितने खुश हो रहे होंगे। ये सत्य है, क्योंकि अभी वो मोक्ष नहीं गए हैं। अभी संभावना से मैं कह सकती हूँ कि अभी वे लौकांतिक देव की पर्याय में होंगे और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और अपनी शिष्या जिनको देखकर सन 1954 में आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा था, ये उत्तर की अम्मा संसार के अंदर जैन धर्म की ध्वजा को फहराएगी। जिन्हें दीक्षा देकर सन 1956 में आचार्य वीर सागर महाराज ने राजस्थान के माधवराजपुरा में कहा था, पुत्री ज्ञानमती नाम मैंने रखा है, अपने नाम का बस ध्यान रखना। तो क्यों नहीं वे ऐसी शिष्या को, ऐसी पुत्री को देख करके परम प्रसन्न हो रहे होंगे। ये तो गुरुओं की बात है,
वे माता पिता भी प्रसन्न हो रहे हैं। लाला छोटे लाल जी जिन्होंने इसी धरती पर कभी ला करके और अपनी पुत्री मैना को यहाँ कटरा मंदिर में विराजमान भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली का दर्शन कराया था और उस प्रतिष्ठा में ये मैना श्री देवी बनी थी। जरा जोरदार ताली बजाइए। आज श्री देवी बनने की वाली कुमारी मैना युग प्रमुखा गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी संसार को श्री दे रही हैं, लक्ष्मी दे रही हैं, ये सांस्कृतिक वैभव प्रदान कर रही हैं। ऐसे स्थान पर जहाँ इन्होंने साक्षात आचार्य देशभूषण महाराज के सामने इंद्रों की टोलियाँ आकाश से आती हुई देखी थी, इंद्रों की टोली कटरा मंदिर के अंदर जब ऋषभ देव भरत बाहुबली विराजमान हुए, मैं आचार्य श्री विशद सागर महाराज आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज से कहना चाहती हूँ कि महाराज यहाँ 71 साल पहले इस अयोध्या में साक्षात आचार्य देशभूषण महाराज ने इंद्र बुला दिए थे और सबको बताया था देखो देखो ये इंद्रों की टोलियाँ आ रही हैं, और वह दृश्य देखने वाली साक्षात ज्ञानमती माता जी बैठी हैं। क्या उस माता मोहिनी को पता था, क्या उस माता मोहिनी को पता था कि मेरी कन्या मेरे उद्यान की एक कली, मेरे उद्यान का ये फूल जो आज श्री देवी बन करके और अपनी आत्मा के अंदर लक्ष्मी को भर रही है, वो किसी दिन संसार को महान लक्ष्मी प्रदान करने वाली है। एक उपकार आचार्य देशभूषण महाराज ने किया जिन्होंने अयोध्या को अयोध्या कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया और 31 फुट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को विराजमान किया। सन 1965 के अंदर वह एक इतिहास साकार हुआ था, समझे अध्यात्म। तब आपके बाबा जी ने वह प्रतिष्ठा देखी थी, कैलाश चंद जी ने, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, आते थे और अपने माता पिता के साथ उस प्रतिष्ठा को देख देख करके खुश हुआ करते थे। आज उस बगीचे को सिंचन किया और उस बगीचे को पुष्पित और पल्लवित किया ज्ञानमती माता जी ने, और इन्हें जब जब भगवान ऋषभदेव सपने में आए, जब जब भगवान ऋषभदेव इनके पिंडस्थ ध्यान में प्रकट हुए, तब तब चमत्कार हुआ है। सन 1952 में, सन 1992 में, 1992 में एक चमत्कार हुआ था धनतेरस के दिन, समझे आदेश जी। हाँ, और तब ज्ञानमती माता जी को 40 साल के बाद अवध की नगरी राम के जैसा याद कर रही थी और अवध की धरती पर ये आई, और उस समय छोटी सा प्रद्युम्न कुमार अमरचंद जैन सराप का भाग्य खिला था कि ज्ञानमती माता जी को पग पग चलाते हुए अयोध्या की धरती पर लाए थे। और तब यहाँ पर भगवान ऋषभदेव के साथ साथ त्रिकाल चौबीसी मंदिर की रचना हुई, भगवान ऋषभदेव का समव शरण बना और सारी अवध की धरती ही नहीं, सारे देश की धरती ने एक लाल को पाया, उस समय रविंद्र कुमार जी कर्मयोगी को पाया, अर्थात राजधानी दिल्ली से आए भक्तों ने और अवध के भक्तों ने ज्ञानमती माता जी से मांगा, वरदान मांगा कि आप इस युवा को हमको दे दीजिए, अयोध्या माला माल हो जाएगा। तो वास्तव में जिस दिन से इन्होंने बागडोर संभाली, अवध का ही लाल है और अवध में ही माला माल अयोध्या को कर रहा है, बाबू से यानी ब्रह्मचारी से आज स्वामी बन करके आपके सामने रविंद्र कीर्ति स्वामी हैं। हम इन्हें ज्ञानमती माता जी का सेना नायक कहते हैं और हम सब आते हैं, जब जब अयोध्या में आते हैं, अयोध्या की धूली को बारंबार नमन करते हैं। मैं कहती हूँ आज हमारे आचार्य धर्म सागर महाराज के शिष्य आचार्य विपुल सागर महाराज का नाम भी यहाँ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जा रहा है, क्योंकि कभी
सन 1928 में आचार्य शांति सागर महाराज आए थे सम्मेद शिखर की यात्रा करते करते। आज उस परंपरा के वरिष्ठ दीक्षित शिष्य आचार्य विपुल सागर महाराज अपने शिष्य भद्रबाहु सागर महाराज को लेकर के, भरतेश सागर महाराज को लेकर के अयोध्या की धरती पर आए हैं। ज्ञानमती माता इससे मिल करके अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। हमारे आचार्य विशद सागर महाराज सम्मेद शिखर से जाते जाते कहीं विहार करते करते संयोग से ऐसे आ गए जैसे कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए। हमारे अनुसरण सागर महाराज जो सम्मेद शिखर की यात्रा को जा रहे थे, षष्ठम पट्टाचार्य अभिनंदन सागर महाराज के शिष्य बन करके आज इनका भी भाग्य का सितारा चमका है। हमारा तो सितारा चमकता ही रहता है क्योंकि हमने ज्ञानमती माता जी की शिष्यता को स्वीकार किया है। तो महानुभाव, यह अवध की जननी और विश्व विभूति बन करके अवध की धरती पर जो आई हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। अपने आप में कुछ अलग तरीके का यह पंच कल्याणक होगा, इसकी सुगंध आपने प्रारंभ में ही देख लिया है। बेलगांव कर्नाटक की उन महिलाओं ने, उन बच्चियों ने, उन बच्चों ने कितना सुंदर ये दृश्य उपस्थित किया।